नई मूवी के बारे में तो तुमने सुना ही होगा मित्सी, ये देखो मेरे पास क्या है, दो टिकट्स हैं उसी मूवी के। मैं सोच रहा था आज तुम और मैं ये मूवी देखने चलें। मैं भी देखूंगा। मूवी का नाम ड्रैगन फ्लाई, इसका क्या मतलब हुआ? अरे मूवी का नाम है, चिंता क्यों करती हो इतनी? इस मूवी की खास बात क्या है? देख कर समझ जाओगी। हाँ? पर मुझे नहीं जाना, आप अकेले चले जाइए। क्या कहा? ठीक है, तो फिर मैं किसी और के साथ देखने चला जाऊंगा। तुम नहीं बेटा, मैं जा रहा हूँ। मुझे शिनचैन के साथ जाना होगा। पता नहीं मित्सी ने शिनचैन को क्यों भेज दिया मेरे साथ। मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ डैड। फिल्म देखने के लिए आप मुझे अच्छी सी सीट दिला देना। अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप चलते रहो, ज्यादा मत बोलो। ठीक है, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। याद रखना अपनी ये बात। तो कौन सी फिल्म देखेंगे आप? देखिए दीदी, मैं 5 साल का हूँ, प्लीज मुझे एक अच्छी सी सीट देना। तुम्हें कहा था ना चुप रहना। आपको थिएटर 2 में जाना है। शुक्रिया, बाय। अब आएगा मजा। डैड मुझे वो दिलाइए ना। अभी तो मूवी शुरू भी नहीं हुई। एक पॉपकॉर्न दे दीजिए। क्या पसंद करेंगे, बटर या सिंपल? आपको कौन सा वाला चाहिए? कौन सा लें? बोलो बेटा। हाँ, ज्यादा बटर वाला चाहिए। वो अच्छा नहीं होता। पॉपकॉर्न में मजा तभी आता है जब उसमें ज्यादा बटर हो। अच्छा मैं समझ गया शिनचैन, अब चुपचाप बैठो। ज्यादा बटर? अरे छोड़ो बटर। अच्छा छोड़ो मुझे। पीने को कुछ मिलेगा? क्या पीना पसंद करेंगे? क्या तुम कुछ पीना चाहते हो शिनचैन बेटा? एक लेमन सोडा भी दे दीजिए। बस चुपचाप बैठो आप। मुझे चाहिए। बस करो शिनचैन। अब अंदर कोई बातें मत करना, चुपचाप मूवी देखना ठीक है? डैड ये ले लीजिए ताकि मैं ऊंचा होकर देख सकूं। हाँ, पहले अंदर तो चलो। कहाँ बैठना है? मैं इस सीट पर बैठूंगा। शिनचैन वहाँ मत बैठो बेटा। लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा ये सीट हमारी नहीं है, हमारी टिकट पर दूसरा नंबर है। अब आओ मेरे साथ ऊपर चलो। ये लीजिए। क्या आपने ज्यादा बटर वाला पॉपकॉर्न लिया है? मैंने तो वही लिया है। क्या कर रहे हो शिनचैन, अपनी सीट पर चलकर वापस बैठो। अंकल आप तो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अंकल। माफ कीजिएगा डैड, मुझे लगता है यहाँ पर कबूतर पालने चाहिए। कबूतर क्यों बेटा? जो भी पॉपकॉर्न यहाँ पर गिरेंगे वो कबूतर उन्हें खा लेंगे। बेकार की बातें बंद करो। डैड यहाँ सब चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या मतलब है? कहीं ये मेरा पॉपकॉर्न तो नहीं छीनना चाहते? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। जल्दी से बोलो, बाथरूम जाना है। चलो चलो जल्दी। मूवी के बीच में आना जरूरी था क्या? मूवी शुरू होने से पहले नहीं आ सकते थे क्या तुम? मैं क्या करता डैड, मुझे बहुत डर लग रहा था। ओ अच्छा, तुम यही रहना बेटा, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलो डैड, फिल्म खत्म हो जाएगी। बस अभी आया बेटा। दीदी
ये आपने ज्यादा बटर वाला पॉपकॉर्न लिया है। अरे कहाँ चला गया ये लड़का, पता नहीं कहाँ चला गया। शिनचैन यहाँ भी नहीं है। लेकिन मैंने तो यहाँ पर ऐसे किसी भी बच्चे को आते हुए नहीं देखा। ये तो और बड़ी मुश्किल हो गई। क्या आप इसके बारे में अनाउंसमेंट करवा सकती हैं प्लीज? नहीं सर, इससे मूवी में लोगों को डिस्टरबेंस होगी। शायद वो किसी और मूवी थिएटर में चला गया होगा। क्या मैं वहाँ ढूंढ सकता हूँ प्लीज? यहाँ भी नहीं है। वो तो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया। डैड अब कहाँ थे? अरे शिनचैन, पता ही मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। वहाँ पर एक कॉमेडी फिल्म भी चल रही है डैड। चुप हो जाओ, मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूँगा। मैं डैड की तरफ से आपसे माफी चाहूँगा दीदी। क्या कह रहे हो, तुम्हें अपनी तरफ से माफी मांगनी चाहिए। दीदी मुझे भी माफ कर दीजिए। फिर कभी ऐसा मत करना। तुम्हारी वजह से आज मैं मूवी भी नहीं देख पाया बेटा। हाँ? अब क्या हो गया जल्दी बताओ। मुझे उस पॉपकॉर्न की याद आ रही है। मैं कजामा को भी पॉपकॉर्न खिलाना चाहता था डैड। तुम्हारे साथ मैं क्यों आ गया?